केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, आज उसकी पहली कड़ी में अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने समन करके अपने दफ्तर तलब किया है। देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से तानाशाही के नशे में चूर हैं और किसी भी कीमत पर देश के अंदर, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं, सभी लोगों की उम्मीद की किरण बन चुकी आम आदमी पार्टी और उसके द्वारा किए जा रहे कामों से पूरे देश के अंदर जिस तरह से एक आशा की किरण जगी है, उसको किसी भी कीमत पर कुचलना चाहते हैं। पहले दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया। आज दिल्ली वालों के सब्र का बांध टूटा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सीबीआई द्वारा समन करा करके न सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बल्कि पूरे दिल्ली के लोगों का अपमान देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिन्होंने अपने समर्थन से दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के अंदर एक परिवर्तन करने का अवसर दिया है। सीबीआई द्वारा समन करके अपने दफ्तर में तलब करने के खिलाफ आज पूरे दिल्ली के अंदर चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हुए। सुबह सुबह बहुत सारे जगहों पर पुलिस ने लोगों को डिटेन किया, जगह जगह धमकियां दी गई, रात से ही फोन किया जा रहा था। उसके बावजूद आज दिल्ली के अंदर चारों तरफ लोगों ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है। अभी तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो सूचना हमारे हेडक्वार्टर तक पहुंची है, उसमें दिल्ली के 32 विधायकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के 70 पार्षदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंजाब के जो विधायक और मंत्री भगवंत मान जी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को समर्थन देने आ रहे थे, पंजाब के दिल्ली के बॉर्डर पर 20 विधायकों को, पंजाब के विधायकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो विधायक दिल्ली के गिरफ्तार हुए उनमें से जो अभी तक की खबर है उसमें संजीव झा, कुलदीप कुमार, प्रवीण कुमार, अजेश यादव, जनरल सिंह, ऋतुराज झा, नरेश यादव, दिनेश मोहनिया, गुलाब सिंह यादव, राजेश ऋषि, वंदना कुमारी, राजेश गुप्ता, विशेष रवि, सोमनाथ भारती, अखिलेश पति त्रिपाठी, पवन शर्मा, सोमदत्त, राजकुमारी ढिल्लो, विनय मिश्रा, धनवंती चंदेला, गिरीश सोनी, महेंद्र यादव, सही राम पहलवान, अमानतुल्ला खान, बीएस जून, प्रकाश जारवार, अजय दत्त, करतार सिंह तमर, शिवचरण गोयल, रोहित मेहरोलिया, मुकेश अहलावत और रघुविंदर शौकीन, ये 32 विधायकों की अभी तक सूची आई है जिनको अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इन अलग अलग जगहों पे जहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे दिल्ली के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और अलग अलग थानों में ले जाकर के रखा गया है।
जो अभी तक सूचना हमारे पास आई है उसमें आईएसबीटी कश्मीरी गेट से 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनको बवाना स्टेडियम में अभी रखा गया है। राजघाट से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनको तिमारपुर पुलिस स्टेशन में रखा गया है। मुकरबा चौक से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको अलीपुर पुलिस स्टेशन में रखा गया है। मुकरबा चौक से दूसरी एक टीम को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 200 लोग हैं, उनको बवाना पुलिस स्टेशन में रखा गया है। पीरागढ़ी चौक से 180 लोगों की टीम, पहला जत्था गिरफ्तार हुआ है, जो नागलोई पुलिस स्टेशन में रखा गया है। पीरागढ़ी चौक से एक दूसरा जत्था जो हरियाणा की तरफ से आ रहा था, उनको भी वहां गिरफ्तार किया गया है, 110 लोगों को, जो मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन में रखा गया है। आनंद विहार से 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कोंडली पुलिस लाइन में रखा गया है। आईटीओ चौक से 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको बवाना पुलिस स्टेशन ले गया गया। पेसिफिक चौक रिंग रोड से 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में रखा गया है। द्वारका मोड़ से 50 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनको जफरपुर पुलिस स्टेशन नजफगढ़ में रखा गया है। हनुमान मंदिर पूसा रोड से 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनको बवाना पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। आईआईटी गेट से 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको बसंत कुंज पुलिस स्टेशन रखा गया है। प्रेम बाड़ी पुल से 50 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको द्वारका पुलिस स्टेशन रखा गया है। अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन से 22 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको अभी जो है मंदिर मार्ग थाने पहले रखा गया था, वहां से अभी कहां ले जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। लाडोसराय मेहरौली से 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको जौनापुर फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उसके अलावा क्राउन प्लाजा चौक ओखला फेस से 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनको कालकाजी पुलिस स्टेशन में रखा गया है। मेहरौली गुरुग्राम मार्ग से 70 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनको फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में रखा गया है। गाजीपुर बॉर्डर से 150 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनको गाजीपुर बॉर्डर पुलिस स्टेशन पर रखा गया है। लगभग 1,500 से ज्यादा लोगों को अलग अलग जगहों से अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनकी आधिकारिक सूचना हमारे पास अभी तक पहुंची है, जिसमें से मैंने उन जगहों के नाम बताए जहां पुलिस स्टेशन पे पहुंच गए हैं लोग। बहुत सारे लोगों को अभी बसों में अलग अलग घुमाया जा रहा है, और कहां उनको ले जाएंगे अभी तक पुलिस ने उनको सूचना नहीं दी गई है। ये इस बात को दर्शा रहा है कि दिल्ली के लोग जिन सपनों को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रहे हैं, बार बार देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना षड्यंत्र कर ले, जितनी कोशिशें कर ले, जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है, और सारे षड्यंत्रों के बावजूद हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। अगर उन्होंने ठाना है कि इस उम्मीद की आवाज़ को मिटाने का, तो हमने भी ठाना है इस उम्मीद को, किरण को पूरे देश में पहुंचाने का, और ये लड़ाई अभी जारी रहेगी।